भगवती का आगमन हो रहा है, वो इस बार बहुत शुभ है, हाथी पर आ रही है, जिसके कारण ऐश्वर्य की प्राप्ति हो रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। नवरात्रि का पावन जो त्यौहार है वो आने जा रहा है। माँ 9 दिनों में भगवान भक्तों को जो है 9 तरह के रूपों में दर्शन देती हैं, और ये विशेष उत्सव है। उत्सव इसलिए क्योंकि ऋतु का परिवर्तन हो रहा है। साल में वैसे तो कुल 4 नवरात्रियां हैं, लेकिन शरद नवरात्रि की अपनी खास महत्ता है। कहा जाता है कि इसी के साथ जो त्योहारों का उत्सव है वो शुरू हो जाता है। इस बार की नवरात्रि किन मायनों में खास है, कितने दिनों की नवरात्रि है, और किस दिन कौन कौन से माँ के किस किस स्वरूप की पूजा होगी, इन तमाम चीज़ों में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में विवेक जी हैं, जो कि ये माँ सिद्धात्री ज्वाला देवी मंदिर है। ये इकलौता मंदिर है पूरे बिहार में जहाँ पर माँ जो हैं वो सिद्धात्री स्वरूप में, यानी कि माँ का जो 9वां रूप है उसमें तमाम सिद्धियों को देने के लिए विराजित हैं। ज्वाला जी की ज्योत यहाँ पर अखंड रूप से विद्यमान है, और यहाँ पर जो है नवरात्र, जो 4 नवरात्रियाँ हैं वो बेहद खास तौर पर मनाई जाती हैं। लेकिन इस बार की जो नवरात्रि, क्योंकि उसको लेकर हर त्यौहार में एक कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा दिन क्या है, जैसे कि अभी हाल के जो तमाम जो त्यौहार गुजरे हैं उसमें भी लोग बड़े कन्फ्यूज़न में हैं। ऐसे में शुभ मुहूर्त क्या है, कब कलश पूजन करना चाहिए, कितने दिन की नवरात्रियाँ हैं, और किस किस दिन कौन कौन से स्वरूप की पूजा होगी, इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। विवेक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप माँ की सेवा करते हैं और माँ का पावन दिन आ रहा है, वैसे तो हर दिन माँ का है लेकिन नवरात्रि की खास महत्ता है, और शारदीय नवरात्रि जब बात होती है तो कहते हैं कि सबसे बड़ा उत्सव है माँ के जो भक्त हैं उनके लिए। तो नवरात्रि कितने दिन की इस बार है, माँ की किस किस स्वरूप की पूजा होगी और किस तरीके से पूजा होगी? सबसे पहले तो न्यूज़ फाउंडेशन के सभी दर्शकों को जय माता दी। और शारदीय नवरात्र जो पावन नवरात्र है, शारदीय नवरात्र को महापूजा कही गई है ना। शारदीय नवरात्र शरतकाले महापूजा दुर्गा सप्तशती में लिखा गया, माँ ने स्वयं कहा है कि शरतकाल की जो पूजा है महापूजा है। तो अपने में ये बहुत महत्व रखने वाला, सभी सिद्धियों को देने वाला, सर्व दुख को हरने वाला, सभी सुखों को प्रदान करने वाला, ऐश्वर्य आदि को देने वाला ये माँ का ये पावन पर्व है। जो भगवती का आगमन हो रहा है वो इस बार बहुत शुभ है, हाथी पर आ रही है, जिसके कारण ऐश्वर्य की प्राप्ति हो रही है और अच्छी वर्षा होगी, जो अच्छे फसल होंगे इसके लिए बहुत अच्छा है। तो माँ का आगमन तो गज पर हो रहा है जो बहुत शुभ है, तो माँ का आना तो ऐसे ही शुभ होता है, इसके आगे हम क्या कह सकते हैं। तो अब आगे हैं शारदीय नवरात्र, और सभी भक्तों को इसका बेसब्री से इंतज़ार रहता है, कब माँ आएंगी, अपने भक्तों से सेवा लेगी, अपने भक्तों को वरदान देगी, ये बहुत ही महत्व रखता है। तो माँ का आगमन इस बार बहुत शुभ है जो गज पर आ रही है भगवती। नवरात्रि कुल कितने दिन की होगी इस बार, और कौन कौन सा मतलब माँ के किसी स्वरूप की किसी दिन पूजा होगी? कलश पूजा को लेकर के लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि किस मुहूर्त में करें, तो वो वक्त क्या है जब लोग अपने घरों में या फिर जहाँ जहाँ वो कलश पूजा कर रहे हैं नवरात्रि की शुरुआत के लिए, जब संकल्प लेंगे तो वक्त क्या है, कैसी पूजा करनी चाहिए? नवरात्र की शुरुआत चूँकि रविवार मंगलवार से हो रही है, रविवार को हो रही है जो 15 तारीख है, तो 15 तारीख के दिन भगवती ऐसे गज पर आ रही हैं, तो पूरा दिन तो शुभ मुहूर्त रहता है, पूरा दिन प्रतिपदा तिथि भी है तो शुभ मुहूर्त तो है ही, लेकिन विशेष शुभ मुहूर्त अगर करना है विजय की प्राप्ति का, अभिजीत मुहूर्त इसके लिए बहुत शुभ माना गया है। तो हम चाहेंगे कि अभिजीत मुहूर्त, सुबह से कलश स्थापना तो होते ही रहेगा मंदिरों में घरों में, लेकिन अभिजीत मुहूर्त में करना काफ़ी शुभ माना जाएगा इस बार। ये कितने बजे से है इस बार का अभिजीत मुहूर्त? इस बार 11:36 से लेकर 12:24 तक है, यानी कि 1 घंटे लगभग। हाँ, तो चूंकि 10 बजे भी अगर भक्त बैठते हैं तो करते करते तो वो समय हो ही जाएगा घट रखने का, तो अभिजीत मुहूर्त में बहुत शुभ माना गया है इस बार घट रखना। क्योंकि हर बार जो नवरात्रियां होती है उसमें कुछ दिनों का 6 होता है, कुछ दिन कम होते हैं, क्या इस बार भी ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, 6 नहीं है, पूरे 9 दिन के नवरात्र हैं, और विजयदशमी दूसरे दिन 10वां दिन मनाया जाएगा। माँ के 9 स्वरूपों जिनकी पूजा होगी और यहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए गए इस बार, उसके बारे में कुछ बताइए। अभी तो मैं यही बताऊंगा कि 9 के 9 स्वरूप का सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर में दर्शन होता है। 9 दिन माँ 9 रूपों को धारण करेगी और भक्तों को 9 रूपों में दर्शन देगी। संध्या बेला में उस 9 स्वरूप का दर्शन अलग अलग दिन किया जाएगा, और मेरा यही कहने का मतलब है कि प्रथम दिन शैलपुत्री है, द्वितम ब्रह्मचारिणी, तृतम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्टम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी चाष्टमम,
नवम सिद्धिदात्री चा नव दुर्गा प्रकृति था यानी नौ स्वरूप में भगवती हर भक्तों को अभय वर देने के लिए साक्षात प्रकट होकर के माँ सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर अब पूरे विश्व के मंदिरों में पूरे पृथ्वी लोक पर प्रकट होगी अपने भक्तों को वरदान देने के लिए। भक्त कैसे माँ की आराधना करें क्योंकि नौ दिन बहुत खास है, आप कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ी पूजा है, मतलब तो घर में जो लोग हैं वो माँ का कैसे ध्यान करें, क्या सरल विधि है जिससे लोग माँ का ध्यान कर सकते हैं ताकि माँ उन सब तमाम लोगों पर कृपा बरसाएं। भगवती तो स्मरण मात्र से प्रसन्न हो जाती है, वो तो बस माँ कहने पर प्रसन्न हो जाती है, न मंत्रो ना यंत्र, मतलब ना मंत्र ना तंत्र कुछ भी नहीं चाहिए उसको, उसको प्रेम चाहिए। लेकिन फिर भी जो शास्त्रोक्त विधि है जिससे माँ की पूजा की जाती है, तो घर में अगर हैं, अगर वो कलश नहीं रख पा रहे हैं तो जयंती बोएं, ज्वारे बोने के भी बहुत महत्व है, तो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र से भगवती का जयंती बोएं और अपने घर में जौ बो करके माँ का स्वागत करें। इस रूप में भी होती है, जहाँ घट स्थापित होता है वहाँ घट स्थापित करें और लाल चुंदरी माँ को ओढ़ाएं, अखंड ज्योति जलाएं घी का तेल का, तो ये बहुत ही महत्व रखता है। जिस भक्त को जैसी भी इच्छा हो माँ भगवती को उस रूप में प्रसन्न करने के लिए अपने सामर्थ्य अनुसार माँ भगवती की पूजा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये माँ भगवती को आप जो हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है प्रसन्न कर सकते हैं। 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरुआत हो रही है, इस बार कई सालों के बाद जो है नवरात्रि कुल 9 दिनों की है, यानी कि पहले दिन से लेकर के 9वें दिन तक जो है आप माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की जो है पूजा कर सकते हैं और 10वें दिन जो है विजयदशमी है। कहते हैं कि साल की जो 4 नवरात्रियाँ उसमें से 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त हैं, लेकिन इस नवरात्रि का विशेष महत्व है क्योंकि माँ भूलोक पर अपने बच्चों के बीच में जो है वो दर्शन देने के लिए पहुंचती हैं। तो आप जहां भी हैं वहां से जो है माँ का ध्यान कीजिए, उनकी आराधना कीजिए और न्यूज़ फाउंडेशन पर लगातार नवरात्रि से जुड़ी तमाम जो खबरें हैं वो दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ फाउंडेशन पटना।